कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इंस्टेंटली आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं, गॉड नहीं करता है, क्योंकि गॉड ने आपको सारी पावर पहले से ही दी हुई है। इज दैट क्लियर नाउ? सो एनी प्रॉब्लम कम्स देन किसको बुलाओगे हेल्प के लिए? मम्मी पापा को, गॉड को या अपने आप को? अपने आप को। इज दैट क्लियर? सो आज का जो मिशन होगा, believe in as a student, कितने लोग 15 मिनट कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहे थे? आप आधा घंटा, पक्का आधा घंटा, एक भी थॉट और कुछ नहीं आता, एक भी थॉट और कुछ नहीं आता आधा घंटा, कि उस समय आपको मम्मी के परोठे, फ्रेंड्स की कोई बात नहीं। Okay, continuously, without thinking anything else, very good. Half an hour. So, क्या कुछ समय के बाद आपके लिए स्टडीज में ध्यान लगाना मुश्किल होता है? Yes, sir. क्यों होता है? क्यों? थोड़ा सा और ब्रेन में और इनपुट नहीं कर सकता है, ऐसा होता है? ओके, जब आप पढ़ने बैठते हैं रात को, सुबह तक होता है सर। और जब आप एग्जाम में पहुंचते हैं तो Yes or no? कई लोगों का होता है ऐसा। सर रात को याद, सुबह तक खराब, एग्जाम में साफ। ग्रेट, ये सबकी प्रॉपर्टी है। मेरे को ऐसा नहीं लगता। ओके, आपको ऐसा नहीं लगता, यू आर जीनियस टुडे, जीनियस। और आपको ऐसा नहीं लगता, दैट्स गुड, लेकिन तुम्हारे पीछे बैठे हुए अच्छे से स्टूडेंट, तुम्हारे टॉप क्लास, राइट? एक साथ ऐसा होता है, रात को खूब याद करते हैं, सुबह तक हाफ होता है, और एग्जाम में साफ। ओके, आप छोटे बच्चे हैं, आपके पास अभी सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं होगा, ज्योग्राफी नहीं होगा, है अभी नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ी है, जो पढ़ रहे हैं 9th 10th क्लास में, तो उनके लिए क्या होता है, ये दो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, और जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, वो भी जोड़ रहे हैं इसमें, बड़ी बेवफा रात को पढ़ी दिन में सफा, बड़ी बेवफा, हिस्ट्री ज्योग्राफी केमिस्ट्री इवन, बड़ी बेवफा रात को पढ़ी दिन में सफा, ऐसा होता है? ओके, तो इनके लॉन्ग आंसर्स याद रखना मुश्किल होता है। मैं आज आपको टेक्निक बताऊंगा, कुछ भी कॉन्सेप्ट हो, कितने भी बड़े आंसर हो, कितना भी टेढ़ा कॉन्सेप्ट हो, कितने ही डिफिकल्ट वर्ड हो, उसको कम टाइम में याद कर सकते हैं, नंबर वन, और नंबर टू, हमेशा हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर? ओके, आपको में से कितने ऐसे लोग लगता है आप लोगों को, कि अगर उनकी मेमोरी पावर थोड़ी और ज्यादा होती तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता? एक ग्राफ बनाते हैं हम, रिजल्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड मेमोरी पावर ऑन द वाई एक्सिस। अगर मेमोरी पावर ज्यादा होती तो मार्क्स अच्छे आते, रिजल्ट अच्छा आता, किसको ऐसा लगता है? सबको लगता, ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग, ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग। Okay.